जागरूकता अभियान में हम बात करने वाले हैं फाइब्रॉइड की, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ये क्या चीज है, ये कोई कैंसर तो नहीं है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसका इलाज क्या है, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। ये छोटी छोटी गांठें जो बच्चेदानी में हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ये कैंसरस नहीं है, ये कैंसर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और काफ़ी औरतों में अगर आप अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे तो काफ़ी औरतों में ये दिखाई भी देंगे। ये नॉर्मली अगर बच्चा हो रहा है आपके पेट में, बच्चा भी है, तो बच्चे के साथ ये बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब आपके पेट में होता है तो आपके फीमेल हार्मोन जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, वो भी बढ़ता है। तो ईस्ट्रोजन जो है ये फाइब्रॉइड्स का खाना है एक तरह से, तो फाइब्रॉइड्स भी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है। एक बार जैसे बच्चा हो जाता है पैदा तो ये फाइब्रॉइड्स अपने आप ही श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ईस्ट्रोजन इतने नहीं मिलते हैं। सिमिलरली जब हमारा मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज मतलब जब हमारा मासिक धर्म बंद होता है अराउंड 50 या 52 की उम्र में, तब ये अपने आप ही धीरे धीरे श्रिंक होके अपने आप ही छोटे हो जाते हैं। अगर 50 साल के बाद फाइब्रॉइड्स दिख रहे हैं तो आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा के अगर ये दिख रहे हैं तो आपको अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात करना चाहिए, और स्त्री रोग विशेषज्ञ जैसे आपको सलाह दें वैसे आपको करना चाहिए। फाइब्रॉइड्स के कारण आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपके मासिक धर्म बहुत हैवी हो सकते हैं, आपके मासिक धर्म में दर्द ज़्यादा हो सकता है, आपको ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स हो सकती है, दो मासिक धर्मों के बीच में आपको पीरियड्स ब्लीडिंग हो सकती है, या आपको सेक्स करने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, या आपको पेशाब करने में परेशानी हो सकती है, पेशाब जल्दी जल्दी आना, क्योंकि जो हमारे बच्चेदानी है वो उसके ऊपर जो है वो हमारा जो पेशाब की थैली है वो बैठी हुई है, तो हमारे बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स की वजह से पेशाब की थैली पे प्रेशर पड़ता है, उसके कारण आपको यूरिनरी सिम्टम्स या पेशाब में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको वेट लॉस तो नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये सब पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा के इनके इलाज बहुत ही आसान है। इलाज में आपको अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आपको पेन किलर्स दिया जा सकता है, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स दिए जा सकते हैं, या आपको माइग्रेना कॉइल लगाया जा सकता है जो आपको फाइब्रॉइड्स में भी काम करेगा और एक गर्भ निरोधक का भी काम कर सकता है। और भी अलग तरीके हैं जो आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ आपके इलाज के बारे में आपको बता सकते हैं। धन्यवाद।